हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई सीरीज़ के बारे में जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन के लिए है, प्रैक्टिस सेट सीरीज़। सो फ्रेंड्स, ये जो है हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का पहला वीडियो है जहां पर जो है हम आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को जो है कवर किया करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में जो है जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में जिन क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा तो उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, जहां पर जो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, उसके कुछ ऑप्शंस होंगे और आपको आंसर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आपको आंसर उस क्वेश्चन का पता है तो आप इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपने जो है टोटल कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर मार्क किए हैं वो भी आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम जो है इस प्रैक्टिस सीरीज में आपके जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज जो है इसलिए लाई गई है ताकि आप अपने एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज कर सके। इससे जो है आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है अच्छे होंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है कि 1 घंटे का टाइम जो है कम पड़ जाता है पेपर वन के लिए। सो फ्रेंड्स, हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है 5 सेकंड के अंदर ही आंसर करें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी जो है थोड़ा वक्त ले सकते हैं आंसर करने में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है इस सीरीज के अलावा जो है हमारे चैनल पर एक टॉपिक सीरीज भी चल रही है और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है जून 2019 के लिए। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर जो है टॉपिक सीरीज की चैनल पर 3 वीडियोस आ चुकी हैं और साथ ही साथ जो है हम मॉक टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो है इन सब के लिए हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर ये वीडियोस जो है आपको एक साथ मिल जाएंगी। हो सके तो आप जो है इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को मिस ना करें। ये सीरीज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, हम आज की अपनी वीडियो पर आते हैं, जहां पर हम कवर करेंगे आपके 50 MCQs ICT के टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक के हम 50 MCQs को इस वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो है अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आप में से कौन कौन जो है 50 में से 50, यानी कि 50 out of 50 जो है करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ऑप्शन ए है मॉडेम, बी मदरबोर्ड, सी प्रिंटर, डी प्रोसेसर। ऑप्शन ई है फोन लाइन, एफ बूटस्ट्रैप, ऑप्शन जी ईमेल, या फिर ऑप्शन एफ नॉन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मॉडेम। मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशंस टू ट्रेवल ओवर द इंटरनेट, यानी कि डैश स्वर वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोनी, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी ईमेल, ऑप्शन डी ई कॉमर्स, या फिर ऑप्शन ई ऑपरेटर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। ऑप्शन ए एडजस्टमेंट, बी फंक्शन, सी मॉडिफायर, डी अल्फा न्यूमेरिक, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड ऑप्शन सी मॉडिफायर कीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, द हार्डवेयर इन कंप्यूटर रेफर्स टू द फिजिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज, मैनिपुलेट एंड स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डाटा। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डाटा को बनाने, उपयोग करने, कुशल बनाने और स्टोर करने के लिए आवश्यक भौतिक उपकरण को संदर्भित करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ द सिस्टम यूनिट,
द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट हाउस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर लाइक सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। इसमें सिस्टम यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का कोर आर्किटेक्चर, जो कंप्यूटर के प्राथमिक घटक हैं जैसे सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड आदि। इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस एग्जांपल हैं प्रिंटर, स्क्रीन एटसेट्रा। एंड स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। सो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नंबर फाइव पर हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। इनके कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए डैश संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बाइनरी, बी ऑक्टल, सी डेसिमल या फिर ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बाइनरी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। इनके डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है फेचिंग, बी स्टोरिंग, सी एग्जीक्यूटिंग या फिर ऑप्शन डी डिकोडिंग। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। यानी कि निम्न में से कौन सा एक छोटा एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए लैन, बी डीएसएल, सी रैम या फिर ऑप्शन डी सीपीयू। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैन, जहां पर लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर एट है, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन ए क्रैश, बी पावर फेलियर, सी बग या फिर ऑप्शन डी वायरस। सो फ्रेंड्स, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑप्शन सी बग। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। इनके हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। ऑप्शन ए फ्लैश, बी नॉन वोलेटाइल, सी टेम्परेरी या फिर ऑप्शन डी नॉन परमानेंट। सो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जहां पर जो है हार्ड डिस्क इज दी कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज। यानी कि हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर की मेन स्टोरेज मीडिया डिवाइस होती है, जो कि डाटा को जो है परमानेंटली स्टोर करती है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर टेन है, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। यानी कि एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट है। ऑप्शन ए किलोबाइट्स, बी बिट, सी गीगाबाइट या फिर ऑप्शन डी मेगाबाइट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गीगाबाइट, इन शॉर्ट में कहेंगे जीबी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। यानी कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए TCP/IP, बी जावा, सी HTML या फिर ऑप्शन डी फ्लैश। सो फ्रेंड्स, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज ऑप्शन ए TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ऑप्शन ए ट्रैकिंग, बी नेमिंग, सी क्रैशिंग, डी अलॉटिंग या फिर ऑप्शन ई फॉर्मेटिंग। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ई फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, जिसे जो है आप डिस्क फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि गैर अस्थिर मेमोरी है। ऑप्शन ए कैन बी थ्रोन इनटू फायर विदाउट एक्सप्लोडिंग, विस्फोट के बिना आग में फेंक दिया जा सकता है। ऑप्शन बी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम भंडारण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
ऑप्शन सी कैन कीप कंटेंट्स विदाउट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की आपूर्ति के बिना भी जो है इसमें सामग्री रख सकते हैं। ऑप्शन डी लूज कंटेंट्स विदाउट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की आपूर्ति के बिना जो है ढीली सामग्री। ऑप्शन ये कैन डिजोल्व इनटू वाटर, यानी कि पानी में जो है इसे भंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैन कीप कंटेंट्स विदाउट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की आपूर्ति के बिना भी जो है सामग्री रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड ए और एन डैश, यानी कि एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, बी सीपीयू, सी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत सर्किट। क्वेश्चन नंबर 15 है द सिस्टम BIOS एंड ROM चिप्स आर कॉल्ड, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी फर्मवेयर, सी हार्डवेयर, डी बूटवेयर, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, द सिस्टम ऑफ BIOS एंड ROM चिप्स आर कॉल्ड ऑप्शन बी फर्मवेयर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है WRAM RAM, यानी कि विंडोज रैंडम एक्सेस मेमोरी इज टाइप ऑफ रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉर्मली द फास्टेस्ट, और साथ ही साथ जो है WRAM जो है रैम का एक प्रकार है जो आमतौर पर सबसे तेज है। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। जहां पर जो है WRAM जो है इज अ टाइप ऑफ रैम, ये जो है एक रैम का टाइप है जो कि आमतौर पर काफी फास्ट होता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोसेसर, ऑप्शन ए मेन मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी टेप मेमोरी, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, वो मेमोरी है ऑप्शन ए मेन मेमोरी, जो कि क्लोजली रिलेटेड टू प्रोसेसर। सो फ्रेंड्स, जहां पर मेन मेमोरी और कह सकते हैं रैम जो है क्लोजली रिलेटेड है प्रोसेसर और सीपीयू के। और फ्रेंड्स, इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है जो कि डाटा स्टोर करती है, यानी कि विच स्टोर्स डाटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर इज कॉल्ड रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगर हिंदी में कहें तो कंप्यूटर में स्थाई मेमोरी को रोम कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, या फिर ऑप्शन बी फॉल्स। सो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन MICR, ऑप्शन ए कोड, बी कॉलम, सी कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करता है MICR में ऑप्शन डी कैरेक्टर को। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रैम, यानी कि रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैम डज नॉट स्टोर एनी इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ऑप्शन सी रैम इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो है रैम के बारे में जो करेक्ट है वो करेक्ट है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये सभी स्टेटमेंट्स जो है रैम के बारे में करेक्ट हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है ऑप्शन बी
रैम डज नॉट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। सो फ्रेंड्स, रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स, यानी कि रैम जो है डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी बेस पर जो है ये डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, ना कि परमानेंटली। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑल फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद, ऑप्शन ए परसेंटेज, बी एडिक्शन, सी इक्वल, या फिर ऑप्शन डी सब्ट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, जो सभी फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ऑप्शन सी इक्वल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सी, बेसिक और कोबोल एंड जावा आर एग्जांपल्स ऑफ डैश लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए लो लेवल, बी कंप्यूटर, सी सिस्टम प्रोग्रामिंग, या फिर ऑप्शन डी हाई लेवल। सो फ्रेंड्स, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा ये जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं। यहाँ पर जो है बेसिक का फुल फॉर्म है, यानी कि बेसिक का एक्रोनिम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, यानी कि डिजिटल घड़ियां होती हैं जो उनमें किस तरह का जो है कंप्यूटर पाया जाता है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी एम्बेडेड कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी नोटबुक कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम्बेडेड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए टेराबाइट, बी पिटाबाइट, सी एक्साबाइट, ऑप्शन डी जेटाबाइट, या फिर ऑप्शन ई योटाबाइट। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो है ऑप्शन ई योटाबाइट जो है लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज की। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन ए रैम, बी रोम, सी कैश मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप जो है इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जहां पर जो है फ्रेंड्स सीडी रोम, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप्स एटसेट्रा वगैरह जो है ये सभी जो है डाटा को स्टोर करती हैं और इन्हें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है, यानी कि जानी जाती है एज अ सेकेंडरी मेमोरी। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। .com, .org, .net आर पॉपुलर एज। ऑप्शन ए टॉप लेवल डोमेन्स, बी टेक्स लेवल डोमेन्स, सी ट्रैफिक लेवल डोमेन्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, डॉट कॉम जो है, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट ये सभी जो है ऑप्शन ए टॉप लेवल डोमेन्स हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। ऑप्शन ए डॉट जी ओ वी, ऑप्शन बी डॉट एम आई एल, ऑप्शन सी डॉट नेट, या फिर ऑप्शन डी डॉट ओ आर जी। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी डॉट नेट डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, दी आईबीएम डॉस इज अ, ऑप्शन ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, The IBM DOS is a option A single user operating system. Question number 29 है, technology used to provide internet by transmitting data over wires of telephone network is, यानी कि telephone network के तारों पर data संचारित करके internet प्रदान करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। Option A transmitter, B diodes, C HHL, या फिर option D DSL।
सो फ्रेंड्स, वो टेक्निक है ऑप्शन डी, डीएसएल, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? ऑप्शन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ऑप्शन ए एरिक्सन, बी मार्टिन कूपर, सी स्टीव जॉब्स, या फिर ऑप्शन डी एप्पल। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एरिक्सन इज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम इज यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क, ऑप्शन बी लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन राउटिंग, ऑप्शन डी इट टेक इनपुट्स फ्रॉम कीवर्ड्स एंड अदर डिवाइसेस। सो फ्रेंड्स, बायोस जो है इज यूज्ड फॉर ऑप्शन बी लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इन शॉर्ट में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं IPv4, डिफाइंस एन आईपी एड्रेस एज अ डैश नंबर। ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट, या फिर ऑप्शन डी 32 बिट। सो फ्रेंड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन डिफाइंस एन आईपी एड्रेस एज अ ऑप्शन डी 32 बिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन बैंकिंग रेलवेज एटसेट्रा विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स, या फिर ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर्स। सो फ्रेंड्स, बैंकिंग और रेलवेज में यूज होते हैं ऑप्शन सी मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज द कैशे मेमोरी इज लोकेटेड? ऑप्शन ए सीपीयू, बी मॉनिटर, सी स्कैनर, या फिर ऑप्शन डी ऑन फाइल सर्वर। सो फ्रेंड्स, कैशे मेमोरी लोकेटेड होती है ऑप्शन ए सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 36 है, चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड? ऑप्शन ए एनालिटिक इंजन, बी प्रोसेसर, सी कॉम्प इंजन, या फिर ऑप्शन डी अबेकस। सो फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड? ऑप्शन ए एनालिटिक इंजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हु इन्वेंटेड जावा? ऑप्शन ए डेनिस रिच, बी जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, या फिर ऑप्शन डी लिनस टॉरवाल्ड्स। तो जावा को जो है इन्वेंट किया है ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? ऑप्शन ए जेम्स गोसलिंग, बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर, या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। सो फ्रेंड्स, कीबोर्ड को इन्वेंट किया है ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन, बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, या फिर ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। सो फ्रेंड्स, ULSI माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड इन ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज काइंड ऑफ CD-ROM? आपको बताना है इनमें से CD-ROM का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क इज अ काइंड ऑफ CD-ROM। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ड इंटरप्रेटर इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए एड्रेस रेजोल्यूशन, बी आईपी एड्रेस रेंजेस, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, वर्ड
इंटरप्रेटर इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 42 है, फायरवॉल इज ऑप्शन ए अ हार्डवेयर, ऑप्शन बी अ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कैन बी अ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी कैन नाइदर बी अ हार्डवेयर नॉर अ सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, फायरवॉल जो है ऑप्शन सी कैन बी अ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, यानी कि फायरवॉल जो है हार्डवेयर भी हो सकता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अमंग फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क या फिर ऑप्शन डी सीडी रोम। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी रैम इज कंसीडर्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन ऑप्शन ए रैम, बी कैशे, सी रोम या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। सो फ्रेंड्स, फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन ऑप्शन सी रोम। क्वेश्चन नंबर 45 है, माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शन ए स्कैनिंग डिवाइसेस, बी मल्टीमीडिया डिवाइसेस, सी पॉइंटिंग डिवाइसेस या फिर ऑप्शन डी स्टोरिंग डिवाइसेस। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन ए सीपीयू, बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे ब्रेन कहा जाता है यानी कि दिमाग कहा जाता है, वो है ऑप्शन ए सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज ऑप्शन ए मेमोरी ओनली, बी राइट ओनली, सी रीड ओनली, डी रन ओनली या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज ऑप्शन सी रीड ओनली। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, ऑप्शन ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोम, यानी कि द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड ऑप्शन बी रोम। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म, डी स्क्रीन सेवर या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जियो, ऑप्शन ए जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग, ऑप्शन बी जावा इंप्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शन डी जॉइंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, जावा का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट सीरीज कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपने जो है 50 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।